मैं आपकी होस्ट राज बात कर रही हूँ। आज मैं आपसे शेयर कर रही हूँ मेथी के आप पराठे भी बना सकते हो, चपाती भी बना सकते हो, रोटी भी बना सकते हो। कुछ लोग रोटी बोलते हैं, चपाती बोलते हैं, तो वही सेम आटा गूंदेंगे। तो उसके लिए मैंने 1 टेबल स्पून बारीक बारीक चॉप कर लिया है अदरक का, ठीक है। और ये 4 जो है वो ग्रीन चिल्ली है, ग्रीन मिर्ची, सही। और ये 3 टेबल स्पून, क्योंकि मेथी बहुत फायदे वाली है, स्पेशली ज्वाइंट पेन के लिए, नी पेन या आपके बॉडी में कोई काम भी ज्वाइंट पेन होता है तो उसके लिए मेथी बहुत फायदेमंद है। तो मैंने ये ड्राई मेथी, क्योंकि मेरे पास फ्रेश नहीं थी, तो मैं ड्राई मेथी का वो बना रही हूँ, ठीक है। तो उन सबको जो है वो इसमें डालेंगे और उसका जो है वो डव बनाएंगे, आटा गूंदेंगे, सही। और उसके लिए मैंने 1 कप जो है वो लिया है होल व्हीट आटा, सही, फुल कप होल व्हीट आटा। अभी इसका डव बनाएंगे, ठीक है। कोई मेंशन करना भूल गई कि इसमें सॉल्ट जाएगा। सॉल्ट तकरीबन आप अपनी टेस्ट के हिसाब से डालना, बहुत ज़्यादा भी नहीं। और ये हल्का सा पेपर, थोड़ा सा, और 1 1 स्पून जो है वो नॉट टेबल स्पून, टीस्पून से थोड़ा सा ज़्यादा ऑयल इसके गूंदने में डालेंगे, ठीक है। और जो पानी जो है जिसे आप आटा गूंदोगे वो हल्का सा नीम गरम लेना, ताकि वो उसका अच्छा होगा डव। डव बना लिए, देखिए नॉर्मल जो हम लोग रोटी बनाते हैं ना, चपाती, तो उसके लिए कैसा डव बनाते हैं, सेम उसी तरीके से आप इसमें से चपाती भी बना सकते हो और पराठा भी बना सकते हो, ठीक है। अभी ये तवा गर्म हो गया, बेसिकली नॉर्मल जो हम लोग बनाते हैं चपाती। अभी इसका 1 कप मैं पराठा बनाती हूँ, आपको दिखाती हूँ, बाकी की मैं रोटी बनाऊँगी, सही। क्योंकि पराठे में ऑयल बहुत जाता है, तो इसलिए मैं प्रेफर नहीं करूँगी कि पराठा हम लोग ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करते। थोड़ा ड्राई सूखा आटा डालेंगे ताकि वो सही तरह हम बेल लें उसको। अभी इसका 1 कप पराठा बनाएंगे। पहले इसमें पराठे में हल्का सा घी डालेंगे, सॉरी ऑयल डालेंगे। बिल्कुल रेडी है पराठा, देखिए बहुत ज़बरदस्त कलर हुआ है, बहुत ज़्यादा ऑयल जाता है ये, बिल्कुल इट्स नॉट हेल्दी। बस मैंने 1 ही बनाया है आपको दिखाने के लिए। ये देखिए बिल्कुल परफेक्ट कलर इसका आया है, ठीक है। बाकी जो है वो सब चपातियाँ बनाएंगे। के लिए बिल्कुल हल्का सा ड्रॉप ऑयल डालेंगे, बिल्कुल हल्का। अभी ये अपनी मेथी की जो है वो तैयार है, रोटी चपाती, ठीक है। एक जस्ट मैंने पराठा बनाया था आपको दिखाया था, और बाकी तो 1 कप में से तकरीबन 1.25 कप था, तो उसमें से जो है वो 5 से 6 बनी है मीडियम साइज़ की, क्योंकि हम लोग बहुत छोटी चपाती नहीं खाते, नॉर्मल चपाती होती है। कुछ लोग तो बहुत छोटी इसकी आधी बनाते हैं, तो 5-6 बनी है। और अगर आपको ऐसा लगे कि मेथी बहुत ज़्यादा आपको कड़वी लगेगी, तो आप पहले इसका हाफ अमाउंट डालना, ठीक है। अदरक मेथी मिर्ची भी अगर आपको ऐसा लगे कि आपको ज़्यादा तेज़ नहीं चाहिए तो 2 डालना। और जो है वो अगर ग्रीन मिर्ची आपको नहीं अच्छी लगती है, तो आप इसमें उसके स्किप करके आप लाल मिर्ची भी डाल सकते हो, ठीक है।
ये देखो कितनी सॉफ्ट और डिलीशियस बनी है, बहुत ही ज़बरदस्त खाने में, और कितनी सॉफ्ट है। देखो कितने दिन तक आपको चल जाएगी ये, आपकी ट्रेवल पे लेके जाने के लिए भी बहुत ही अच्छी आइडिया है। अगर आप सफ़र पे जा रहे हो तो भी आप इसको लेके जा सकते हो। कुछ लोग इसको थेपला बोलते हैं, ठीक है ना, तो आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये आपके घुटनों के लिए, आपके ज्वाइंट्स पेन के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है।